चंदौली लोकसभा क्षेत्र में इस समय हम हैं और अंतिम चरण में यहाँ वोटिंग है। 1 जून को लोग यहाँ मतदान करेंगे और एक बढ़िया चाय की टपरी दिखी तो यहाँ रुक गए, लोग बैठे हुए हैं। ये जो सड़क है ये एयरपोर्ट रोड कहते हैं इसको, बाबतपुर से चौबेपुर को जोड़ती है ये सड़क। और इस समय नामांकन चल रहा है, केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे चंदौली से चुनाव लड़ रहे हैं, हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। बीजेपी के ही आनंद रत्न मौर्य के हैट्रिक की बराबरी करने के लिए इस बार वो चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया है, वीरेंद्र सिंह यहाँ से मैदान में हैं और बीएसपी से यहाँ सत्येंद्र मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ाई बहुत दिलचस्प है, इतनी दिलचस्प कि चाय की टपरी पर भी लोग चुनावी किस्सों की चर्चा कर रहे हैं, चुनावी माहौल की ही बात हो रही है। और क्या हाल है भाई साहब, चूंकि नामांकन तो चल रहा है, अक्षय तृतीया को नामांकन होगा महेंद्र पांडे और वीरेंद्र सिंह का। चंदौली डॉक्टर लोहिया और राजनारायण जी की धरती रही है और किसानों के नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी इस अजगरा विधानसभा जो सैतपुर में हुआ करता था इसको अपना मिनी बागपत मानते थे और ये चुनाव देश में हो रहा है और यहाँ से डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी लगातार 2 बार सांसद रहे और वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री रहे और ये मोहाव बाजार विगत 5 सालों से 2000 में आजमगढ़ वाराणसी राजमार्ग 4 लेन हुआ और लगभग 4 साल से बाजार टूटा हुआ है और इस बाजार में यहाँ के लोग एक एक बूथ पानी से तरस रहे हैं। जल निगम की टंकी आप देखेंगे तो जल निगम की टंकी लगी हुई है और भारी उद्योग मंत्री जी वो हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं लेकिन इस पर ये सफल पूरा नहीं होने वाला है क्योंकि ये चुनाव हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ का मतदाता 1 जून को वोट करेगा। मैं आपके माध्यम से यहाँ के मतदाताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, अच्छे संस्कार के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, मूलभूत सुविधाओं पर बात, हाँ उनके जीवन यापन के लिए अपने बच्चों को 2 जून की रोटी के लिए 1 जून को इंडिया गठबंधन के ये देखिए मेरी बात सुनिए, आप अपनी बात कहिए ना कि आप क्या सोच रहे, कौन से मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण है। दवाई पढ़ाई और शिक्षा, दवाई पढ़ाई शिक्षा जो मूल समस्या है इस पर ध्यान नहीं दिया गया। भारी उद्योग मंत्री यहाँ पे रहे हैं, कोई उद्योग लगा है? कोई तो नहीं लगा है, कोई उद्योग यहाँ नहीं है। ये चाय लेकिन बड़ी सुंदर है, नींबू की चाय है ये हम आपको जरूर बताना चाहेंगे, ये नींबू की चाय है और बहुत कम टपरी पर आपको नींबू की चाय मिलेगी। हमारे बनारस में 80 घाट पे, दशाश्वमेध घाट पे नींबू की चाय मिलती है। अच्छा ये जो आपके पिताजी हैं? हाँ पिताजी, इन्होंने ये दुकान शुरू की थी? हाँ पहले इन्होंने चालू किया था। मूंछ तो बड़ा जानदार रखे थे। हाँ बहुत बड़ा था। तो चुनाव का माहौल है? हाँ चुनाव का माहौल है। क्या लग रहा, किधर जा रहा चुनाव? समाजवादी पार्टी का। क्या नाम है आपका? सुबेदार यादव। सुबेदार यादव, आपकी दुकान है अम्मा? हाँ हाँ। कै साल से चाय बेच रही हैं? अरे हो गल को साल भैया, जब को बुढ़ा बुढ़ा तब का ना। हाँ तब का ना जो तब प्रधानमंत्री चाय बेचत रहना पहले। हाँ भैया बेचत। हाँ वो चाय बेच रहे कि नहीं? तो बताइए कि महेंद्र नाथ पांडे को पहचानती हैं? नहीं। कभी देखे, कभी मुलाकात हुई है? नहीं हम ना देख रहे। हाँ नाम सुन लेता है ना उनका? हाँ नाम सुन ले, बाकी जानत ना है, देख लेना है। तो चुनाव चला था, वोट दिया ही ना? हाँ हाँ वोट दिया ही। तब माहौल अभी इवत के के वोट दिया है? अखिलेश के दिया है। अखिलेश की चिन्हत है आप? अखिलेश के चिन्ह। हाँ के हाँ अखिलेश। अरे अखिलेश हुआ ना भैया, बतना पढ़ा लिखा ना है, चिन्हत है उनकी? हाँ अखिलेश हुआ। अच्छा आ जाता तो ठीक है भैया, सब पर रोजी रोटी बढ़ जाता। रोजी रोटी बच जाए। हाँ आपका नाम क्या है? मयूरी विश्वकर्मा। तो हैट्रिक लगा पाएंगे पांडे जी? कहा नहीं जा सकता, लड़ाई में है लोग। ये लोग तो कह रहे हैं कि वन साइडेड है। नहीं वन साइडेड नहीं है, लड़ाई में सब लोग हैं और किसी का क्लियर कोई नहीं बता पाएगा भाई। जनता की मूड है किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा,
कोई कन्फर्म नहीं है। अच्छा एक बात बताइएगा कि भारी उद्योग मंत्री हैं वो, अब तो खैर आचार संहिता लागू है तो कोई मतलब कार्यवाहक है, एचआरडी मिनिस्टर भी रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्किल डेवलपमेंट में भी मिनिस्टर रहे, तो कुछ मिला चंदौली को, कुछ दिए वो? अब इधर तो नहीं कुछ दिए हैं, आगे दिए होंगे तो हमें तो कुछ मालूम नहीं है। हमारे यहाँ तो मुहाव में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मुहाव बाजार में आते हैं कि नहीं कभी? वो आए हैं, रोड से जाते हैं, रोड से चले जाते हैं, मतलब एयरपोर्ट रोड है तो इस वजह से आते जाते हैं, जाते रहते हैं। कभी रुक के यहाँ के लोगों से हालचाल नहीं? कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? भूपेंद्र कुमार। क्या लग रहा है चुनाव किधर जा रहा? चुनाव यहाँ का बहुत ही दिलचस्प और त्रिकोणीय मुकाबला है। जैसा लोग समझ रहे थे कि महेंद्रनाथ पांडे एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे, सपा से वीरेंद्र सिंह टिकट पा करके मैदान में जैसे कूद पड़े हैं, युवाओं की जान एकदम जान में जान आ गई, क्योंकि बेरोजगार युवा सड़क पे घूम रहा है, किसान महंगाई से मारे पड़े हुए हैं, पढ़ाई इतनी महंगी हो चुकी, गरीब का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है, यहाँ तक कि आरटीई के तहत 25% सीटें हैं, उसके बाद भी वो अपने बच्चों को बैग और ये नहीं खरीद के भेज सकता है कि नहीं कम से कम वो अच्छी शिक्षा ले सके इस महंगाई के दौर में। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। जी, रोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर भर्तियों में परीक्षा हो रही है, उसके पेपर लीक हो रहे हैं, और युवाओं के जेब से पैसे जो जा रहे हैं वो गार्जियन किसी तरह से जुटा करके दे रहा है, और वो पैसे सरकार के खाते में चले जा रहे हैं, फिर उसको वापस नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? सोनू यादव। क्या लग रहा है चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा? सर बेरोजगारी के मुद्दे है, युवाओं के लिए तो बेरोजगारी का ही मुद्दा बना है, और वीरेंद्र सिंह को चुनाव मिलते ही माहौल चंदौली विधानसभा में खलबली मची पड़ी, और एक तरफा सीट है समाजवादी पार्टी का, और एक तरफा। आपका नाम क्या है? अक्षय। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। अच्छा, उम्र क्या है? 18। वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ। वोट देंगे? पहली बार देंगे। पहली बार वोट देंगे? हाँ। किधर जाएगा वोट? वीरेंद्र सिंह को। काहे इतना प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार इतनी योजनाएं लाई है रोजगार के लिए, हमको तो नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। रोजगार पहला मुद्दा रहेगा। हाँ। आपका नाम क्या? कृष्णा यादव। क्या लग रहा है? सपा को ही जाएगा, सपा को चल रहा है, वीरेंद्र सिंह को जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि पुलिस का पेपर हुआ ऐसा हुआ, कोई क्लियर भर्ती नहीं हो पा रही है, ये सब यही मुद्दा है ऐसा। तो रोजी रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है चाचा? पारस यादव। किधर जा रहा है चुनाव? चुनाव तो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ क्यों जा रहा है ये भी बता दो। हाँ। 10 साल हो गया मोदी जी की सरकार आए, 10 साल हो गया, 10 साल पीछे जिस लड़के की उम्र 20 साल रही होगी आज 30 साल हो गई, चली गई उम्र। और दूसरी बात, जब भी ऑनलाइन पेपर भरा जा रहा है और अरब नहीं अरबों रुपया जा रहा है सरकार खाते में, पेपर लीक करा के परीक्षा खत्म कर दी जा रही है, जिस जो माँ बाप अपने बच्चे को 30 साल तक, 20 साल से 30 साल का हो गया, कुछ उनका भी तो रहेगी इच्छा कि हमारा बच्चा ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा, उसकी उम्र चली गई, उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी आप बता सकते हैं? ठीक बात है। साढ़ चढ़ जा रहे हैं, साढ़ चढ़ जा रहे हैं फसल को, और घर रोज सब खा जा रहे हैं, किसान की आय दुगनी हो गई, अच्छे दिन आ गए हमारे। बेसिक मुद्दों पर वोट होगा, मूल मुद्दों पर। मूल मुद्दा यही है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पे तो प्रधानमंत्री जी कभी बोलते ही नहीं, कभी बोले हैं? खाली बोलेंगे मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद या हिंदू मुस्लिम करके क्या पेट भर जाएगा सबका? तो देखिए लोग हैं अपने अपने तरीके से चुनावी मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? क्या हो रहा है? सर यही साइकिल बना रहे हैं। आपकी दुकान है? जी जी जी। रोज कितना कमा लेते हैं? अरे सर कहने में कोई, बहुत परेशानी है सर, बहुत परेशानी है। हाँ। किसी तरह से पेट पर्दा हम लोग चला लेते हैं। हाँ। घर पे जाते हैं शाम को, कभी कभी पैसा नहीं रहता तो हम लोग चटनी से और टमाटर के खा लेते हैं। यही परेशानी। मुश्किल है बहुत है? जी सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर, महंगाई बहुत चरम सीमा पर है सर। तो महेंद्र नाथ पांडे चुनाव जीत पाएंगे?
ये हम नहीं कह सकते हैं सर, लेकिन अपने अपने सभी प्रत्याशी दावा करते हैं कि हम जीतेंगे जीतेंगे। वोट किस मुद्दे पर होगा? वोट तो सर हम लोग देंगे इस बार सपा को। कारण? कारण सर महंगाई, बेरोजगारी, बहुत महंगाई है सर, बहुत महंगाई। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि महंगाई बहुत चरम सीमा पर। चलिए, तो महंगाई है, रोजगार की समस्या है, और इसी बेसिक मुद्दे पर लोग वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह जी। चुनाव किधर जा रहा है? हमारा जा रहा है अखिलेश सिंह इधर। कारण? कारण ठीक, महंगाई इतना चल रहा है, सब कुछ है, इसीलिए हम दे रहे हैं अपने अखिलेश भैया को। तो लब्बो लुबाब यही निकला बातचीत का कि चंदौली का पिछड़ा इलाका है ये मुहाव बाजार। एयरपोर्ट रोड आप देख रहे हैं, चमक रही है ये सड़क, लेकिन लोगों की किस्मत कब चमकेगी? लोगों को रोजगार कब मिलेगा? महंगाई से निजात कब मिलेगी? लोग ये पूछ रहे हैं, और इसी मुद्दे पर वो वोट देने का मन भी बना रहे हैं। तो नामांकन चल रहा है सातवें चरण में, बिल्कुल आखिरी फेज में यहाँ मतदान होना है 1 जून को। 1 जून को मतदान बेसिक मुद्दों पर होगा लोग कह रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं महेंद्र पांडे केंद्रीय मंत्री, जो हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं, फिर उनके लिए मुश्किलें हैं, क्योंकि लगातार जो माहौल है चंदौली में, वो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वीरेंद्र सिंह, इस माहौल को लगातार वो बीजेपी से दूर कर रहे हैं। बीजेपी के लिए संकट की बात यह है कि रोजी रोजगार और महंगाई का मुद्दा लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, और अगर इसी मुद्दे पर चुनाव होता है तो फिर ये महेंद्रनाथ पांडे के लिए मुश्किल हो सकता है। महेंद्रनाथ पांडे को लेकर एक लोकल एंटी इनकम्बेंसी भी है, लोग कह रहे हैं कि कभी लोगों के बीच वो रहे नहीं, इसी रोड से आते जाते हैं, लेकिन कभी वो बाजार में रुक कर लोगों से हालचाल लिए नहीं। पूर्वांचल के कई जिले, कई विधानसभा क्षेत्र, कई लोकसभा क्षेत्र के परिणाम इसलिए भी बदल जाते हैं कि आप भले बहुत काम किए हों, लेकिन अगर आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर लोग आपको नकार देते हैं। 2019 में गाजीपुर का चुनाव परिणाम सामने आ चुका है, बहुत काम कराया था मनोज सिन्हा ने, लेकिन लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए, लोगों से हाल चाल नहीं लेते थे, लोग उनको नकार दिए। चंदौली में भी यही स्थिति बन रही है, मनोज सिन्हा वाला पैटर्न हो सकता है दोहरा दिया जाए, लोगों के बीच नहीं आते हैं महेंद्रनाथ पांडे। कई जगहों पर हम गए, ये शिकायत लोगों की तरफ से सुनने को मिली। तो बेसिक मुद्दों पर लोग कह रहे हैं हम वोट देंगे, और भी इलाकों में हम जाएंगे, हालचाल लेंगे। फिलहाल चंदौली से इतना ही। अमित सिंह, TV9 UP, चंदौली।